हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 8th का इंग्लिश का पेपर, जो कि यहाँ पर आपके 2024 के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन के जो है वो आंसर आपको बताता चलूंगा, जिससे यहाँ पर आपको बोर्ड के पेपर में हेल्प मिलेगी। तो ये पूरा पेपर है जिसमें यहाँ पर आपको पार्ट वन में दिखाई दे रहा है MCQ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन है वो MCQ क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। तो यहाँ पर जो है वो इसमें आंसर होगा, मतलब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अ विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। सेकेंड क्वेश्चन है द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया डैश लैंड, यानी कि देन इसमें सही आंसर होगा द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया देन लैंड। थर्ड क्वेश्चन द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो इसमें सही आंसर होगा थर्ड वाले में ऑप्शन सी विल, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो माउस कंप्यूटर का पार्ट होता है, कीबोर्ड भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, मॉनिटर भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, बैडमिंटन यहाँ पर जो है कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड, इनमें से यहाँ पर हमें साउंड को प्रोनाउंस करना है और बताना है कि कौन सा इसमें डिफरेंट है। तो जैसे कि पहला है पुट, फिर है कट, फिर है बट और फिर है शट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पुट यहाँ पर जो है वो अलग प्रोनाउंस हो रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट यहाँ पर जो है वो यूज़ किया गया है गिफ्ट के लिए, यानी कि गिफ्ट को जो है वो प्रेजेंट भी बोला जाता है। ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, आई रिमूव्ड द रोल टॉप डैश एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स। उसके बाद है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है एक पैसेज दे रखा है, जिसमें आपको ये जो वर्ड आपको दे रखे हैं ऑप्शन वाइज इसको फिल करना है। तो यहाँ पर आप हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन डैश। तो यहाँ पर जो है वो इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा जर्नी, यानी कि यहाँ पर 8th वाले में जर्नी हमारा सही आंसर होगा। फिर आगे है सी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द डैश। तो यहाँ पर 9th वाले में आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म जो है वो 9th के लिए आंसर होगा। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, यानी कि 10th में यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा नॉइस, एज इट कम टू अ स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड। 11 में यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैंड, दे वॉक ऑन टू द ट्रेन टुगेदर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हमें प्लूरल फॉर्म्स बतानी है जो कि यहाँ पर हमें वर्ड दे रखे हैं उसकी। तो ए में यहाँ पर नाइफ दे रखा है, नाइफ का यहाँ पर प्लूरल हमें बताना है। तो इसका प्लूरल जो होता है ये होता है नाइव्स, इस तरीके से। दूसरा है चाइल्ड, तो हो जाएगा चिल्ड्रन, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ए में यहाँ पर हमें जो लेटर दे रखा है इसमें जो मिसिंग वर्ड हैं इनको हमें बताना है, अल्फाबेट्स बताने हैं। तो इसमें माउंटेन जो है वो इसकी स्पेलिंग है, तो यहाँ पर MOU पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट दे रखा है उसमें यहाँ पर हमारे पास U आ जाएगा, उसके बाद NTAI, उसके बाद यहाँ पर I आएगा। तो ये दो यहाँ पर फिल करने हैं। B में दे रखा है यहाँ पे आपको लेटर वर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर हो जाएगा आफ्टरनून, तो यहाँ पर T के बाद में जो है वो E आएगा, उसके बाद NOOO होता है यहाँ पे, तो OOO के मतलब O के बाद में फिर से एक बार O वापस आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो 13 का आंसर हो जाएगा। फिर है 14, डोंट यूज़ मोबाइल फोन डैश ड्राइविंग व्हीकल। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं वाइल और सो दैट, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वाइल, डोंट यूज़ मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको 15 में ये जो वर्ड दे रखे हैं इनको अरेंज करना है और प्रॉपरली एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपके दे, उसके बाद सेकेंड में आ जाएगा वियर, दे वियर मास्क, थर्ड पे आ जाएगा और चौथे पे आ जाएगा डेली, दे वियर मास्क डेली। बी में यहाँ पर है जंप द हिमांशु रिवर, तो बी में यहाँ पर जो है वो हमारे पास होगा पहला
पहला हो जाएगा इसमें यहाँ पे जम्प्ट, यानी कि सॉरी, पहला यहाँ पर हो जाएगा हिमांशु, उसके बाद यहाँ पर सेकंड में आपके आ जाएगा जम्प्ड, उसके बाद यहाँ पर जो है हो जाए इनटू, थर्ड पे हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे द, और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर आपके रिवर। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आप इसको अरेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पहला इसमें यहाँ पर दे रखा है ऑलवेज डैश अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, तो पहले में यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा वियर, यानी कि पहला इसका जो है वो ये आंसर होगा ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। सेकेंड है डू नॉट डैश द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। तो ये यहाँ पर जो है वो दो हमें फिल करने थे, तो 16 में ये आंसर हो जाएगा 16th में। फिर यहाँ पर पार्ट 3 है, इसमें यहाँ पर आपको पैसेज जो है वो दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है, और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर आप पैसेज को जो है वो रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सीधे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन 17th में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द अदर फाइंड इट, तो इसमें यहाँ पर आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा हमारे पास इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, तो ये यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, और आगे यहाँ पर होगा ही फाइंड इट जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ये यहाँ पर दे रखा है जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, तो ये यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पूछा जा रहा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, यानी कि डेस्क की जो कंडीशन है वो कैसी थी, तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर है वो यहाँ पर दे रखा है द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस 1 लैक क्लमजिली मेंडेड स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, ये यहाँ पर जो है वो आपके 17 के सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है थर्ड वेयर डिड द अदर फाइंड द जंक शॉप, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके एट द ब्रिड पोर्ट, ये यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 के थर्ड का। आगे है इसी पैसेज के ऊपर आपके 18th क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो इसमें पहला है वेयर डिड द ऑदर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, यानी कि खरीदने के बाद वो कहाँ पे लेके गया उसको, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर होगा कि वो यहाँ पे कहाँ लेके गया ये हमें बताना है, तो ये है यहाँ पे आपके ये इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, तो ये यहाँ पर 18 के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है 18 का यहाँ पे व्हेन डिड द ऑदर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, यानी कि कब उसने वर्क करना शुरू किया डेस्क पे, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑन क्रिसमस ईव। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 18 का थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, तो जैसे कि पहला ए में पूछा जा रहा है नियर, तो नियर का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा फार, फार यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। सेकंड है लेट, लेट का अपोजिट हो जाएगा अर्ली, ये यहाँ पर जो है वो इन दोनों के आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आगे है नेक्स्ट बी, तो बी में भी यहाँ पर आपको पैसेज दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर बताना है द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ मार्क ऑफ नेचर फॉर्मड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाई सम इमेंस रॉक्स विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट वेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेम्बल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू द अलाइव इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बैनिंग फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, तो ये पैराग्राफ यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने रीड भी कर दिया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मिसिंग है। तो पहला यहाँ पर जो है वो ए व्हाट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, तो यहाँ पर जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अ वर्क ऑफ नेचर, इसका जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद बी में देखते हैं, बी में पूछा जा रहा है हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से होगा इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर
तो ये यहाँ पर जो है आप एक 19 के बी का आंसर हो जाएगा। फिर है सी। सी में यहाँ पर पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ए में पूछा है अ वेरी हाई हिल, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माउंटेन। तो एम दे रखा है ओ यू एन टी ए आई एन माउंटेन। बी में पूछा है अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्टेटर। एस लिखा हुआ है स्पेक्टेटर, यहाँ पर हमें पूरा करके लिखना है। ये यहाँ पर बी का आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे इसी में, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नंबर 20 भी पूछा जा रहा है। तो ए में यहाँ पर दे रखा है व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास ये होगा व्हेन ग्रेट स्टोन सीन फ्रॉम डिस्टेंस। यहाँ से हम लिखेंगे इसका आंसर व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेम्बल्ड द फीचर्स ऑफ ह्यूमन फेस। ये यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो और भी आंसर इसका लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू द अलाइव। ये यहाँ पर जो है वो प्रॉपर आंसर आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन बी 20 का, व्हाट वॉज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल, यानी कि पॉपुलर बिलीफ यानी कि लोग क्या मानते थे इसके बारे में। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बैनिंग फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। तो ये यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा 20 के बी का। फिर है यहाँ पर 20 का सी, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टुगेदर, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर वर्ड है जिसका यहाँ पर मीनिंग गैदरिंग से मिलता है। तो ये यहाँ पर जो है वो 20 के सी का आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर आता है आपके पैसेज में सी क्वेश्चन, तो इसमें यहाँ पर आपको पैसेज दिखाई दे रहा है इसी के अकॉर्डिंग भी इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, तो पैसेज यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें ए में पूछा जा रहा है 21 के विच स्टेट कल्पना चावला बिलोंग टू, यानी कि कौन से स्टेट से वो आती थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 21 के ए का। बी में पूछा जा रहा है व्हाट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी कि वो कितने दिनों तक अपने पहले मिशन में रुकी थी स्पेस में। तो इसमें आंसर हो जाएगा 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर है 22 क्वेश्चन नंबर 22 ए में, इसमें पूछा है फॉर वॉट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड, यानी कि उनको किस चीज़ के लिए लाइसेंस दिया गया था। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का बी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वन वर्ड में यहाँ पर आंसर हमें बताना है अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट, इसका सही आंसर होगा। ये यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सी में पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट का यहाँ पर अपोजिट हमें बताना है, तो ओल्डेस्ट का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा यंगेस्ट। यंगेस्ट यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये यहाँ पर जो है वो पैसेज के यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं और इसको आपको रीअरेंज करना है, मतलब यहाँ पर आपको प्रॉपरली ऐसे सेट करना है इन सेंटेंसेस को कि एक मीनिंगफुल आपके स्टोरी बन जाए। तो जैसे कि यहाँ पर पहला है हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसके बाद है ही वॉट ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, थर्ड है द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, फोर्थ है ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, और फिफ्थ है वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर। तो देख के ही पता चल रहा है जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपके फिफ्थ वाला, उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएगा सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर का, यानी कि आपको ये वाला उसके बाद अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके थर्ड नंबर पे जो आएगा ये होगा फोर्थ वाला, यहाँ पर फोर्थ आपको लिखना है ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प। फिर आ जाएगा आपके थर्ड यानी कि द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और फिर आ जाएगा लास्ट में यहाँ पर आपके सेकेंड यानी कि ये होगा ही ब्रॉट अ गोल्डन एक्स। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस होगा, पहले फिफ्थ आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर फोर्थ, और फिर थर्ड, और फिर सेकेंड। इस तरीके से अरेंज करके यहाँ पर आपको प्रॉपरली सेंटेंस या प्रॉपर यहाँ पर एक स्टोरी फॉर्म क्रिएट होगा। तो ये यहाँ पर 23 का आंसर था। उसके बाद आगे है पार्ट 4, जिसमें यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 24 और 25 पूछे जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर आपको जो है दो
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और में, जैसे कि 24 में दो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो एक तो यहाँ पर आपको लेटर पूछा जा रहा है जिसके लिए यहाँ पर आपको क्लू दे रखे हैं, तो आपको लेटर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद और में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें यहाँ पर आपको जो है वो एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो एक में लेटर एक में एप्लीकेशन, तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 25, इसमें यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स में आपको सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है यहाँ पर, और आपको ये वर्ड को जो है वो यूज़ करना है जो आपको यहाँ पर आप गिवन है। इसी में और में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है यहाँ पर आपके एक स्टोरी के ऊपर, यानी कि आपको स्टोरी लिखनी है 70-80 वर्ड्स में, जिसके लिए यहाँ पर आपको क्लू भी दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर जो है वो आएगा, और उम्मीद है कि इस पेपर से आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही यहाँ पर आगे और भी वीडियोज़ के लिए, और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।